धुंधकारी तो प्रेत बन गया, और वो भी प्रेत नहीं महाप्रेत बन गया। किसी के घर पे, किसी के गाय पे, किसी के बच्चे पर अटैक करने लगा। अब गांव के सभी लोग परेशान हो गए, और परेशान होकर के गांव से कुछ लोग तीर्थ में चले गए। अब तीर्थ में गए, गोकर्ण जी मिले, लोगों ने सारी बात बताई, अब तुम्हारे घर कोई नहीं रहा। गोकर्ण जी को बड़ा दुख हुआ और घर आए, भोजन पानी से निवृत्त हुए, रात में सोए, सपने में धुंधकारी दिखा। बोला, भैया मैं प्रेत बन गया हूँ, मुझे मुक्ति दिला। बोले, ठीक है। फिर सुबह हुआ, उठे, पिंडदान के लिए गए, पिंडदान किए, आए, फिर रात में भोजन करके जब सोए, फिर सपने में आया। बोला, भैया आप हमको छोटा मोटा प्रेत समझ रहे हैं क्या? हम प्रेत नहीं महाप्रेत बन चुके हैं, ये पिंडदान से मेरी मुक्ति नहीं होगी, जल्द से जल्द मुझे मुक्ति दिलाइए भैया, मैं बहुत दुखी हूँ। गोकर्ण जी बोले, ठीक है। सुबह हुआ, और सुबह अपने तपोबल से गोकर्ण जी ने सूर्य की गति को रोक दिया। ततः सर्वै सूर्यवाक्य तन्मुक्तो स्थापितं परम् गोकर्णः स्तंभनं चक्रे सूर्यवेगर्षिवै तदा। अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया और बोले, हे सूर्यदेव, आप तो सारे संसार के साक्षी हैं, आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताएं। तब सूर्यदेव ने कहा, कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्मरूपं तु विश्रुतम्। हे गोकर्ण, केवल श्रीमद् भागवत से ही इनकी मुक्ति हो सकती, इसलिए तुम उसका सप्ताह परायण करो। सूर्य का यह धर्म में वचन सुनकर सभी लोग प्रसन्न हो गए। और गोकर्ण जी ने कहा कि ठीक है महाराज, और कथा करने के लिए बैठे। धुंधकारी तो एक बास में चला गया, बास में बैठकर कथा सुन रहा था, और जब कथा पूर्ण हुई तो महाराज सबके सामने धुंधकारी प्रकट हो गया। वहां विमान आई, विमान में बैठ गया और गोकर्ण जी को प्रणाम किया। तब गोकर्ण जी ने कहा पार्षदों से, अत्रैव वह वह संति श्रोतारो मम निर्मला
आने तान विमानाने नाते शाम युगपत कृत। हे भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय वाले श्रोता गण बैठे हैं, उन सबके लिए बहुत सा अभिमान क्यों नहीं आया? क्यों केवल धुंधकारी के लिए आया? सभी ने कथा समान भाव से सुनी, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ? तब भगवान के सेवकों ने कहा, हे गोकर्ण जी, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संसितः, श्रवणं तु कृतं सर्वै न तथा मननं कृतं। इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद है। सुना सबने, लेकिन प्रेत जैसा मनन चिंतन उसका किसी ने नहीं किया।